एक ऐसा वक्त था जब मायावती का नाम देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में शुमार था। मायावती की नेटवर्थ की चर्चा भी अक्सर होती रहती है। विकिपीडिया के अनुसार 2012 राज्यसभा के चुनावी हलफनामे के अनुसार मायावती के पास 111.64 करोड़ की संपत्ति और 87.68 लाख की देनदारियां हैं। कुमारी मायावती, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की 18वीं मुख्यमंत्री के तौर पर 1995 से 1995, 1997 से 1997, 2002 से 2003 और 2007 से 2012 तक कार्य किया। वो 3 बार राज्यसभा सांसद और 4 बार लोकसभा सांसद चुनी गई हैं। साल 2020 में बसपा सुप्रीमो मायावती जब उत्तर प्रदेश विधान परिषद के लिए निर्वाचित हुई थीं, तो उनकी कुल संपत्तियों की कीमत करीब 88 करोड़ रुपए व 2007 में 52.27 करोड़ रुपए आंकी गई थी। मायावती की ज्यादातर संपत्ति रियल एस्टेट में है और उनकी दिल्ली व लखनऊ में पौश इलाके में आवासीय इमारतें हैं। दिल्ली में बंगला नंबर 12, 14 व 16 को मिलाकर सुपर बंगला बनाया गया है और इसका इस्तेमाल निवास सह कार्यालय के रूप में होता है। मायावती के पास उनके नाम से 4 गुरुद्वारा रकाबगंज रोड पर 1 सरकारी बंगला है। ये इन तीनों से अलग है। इस तरह के बंगले मंत्रियों व सचिवों के लिए बने हैं, जिसका भूखंड 8,250 वर्ग फीट है और आगे व पीछे लॉन है। इसके अलावा मायावती की दिल्ली के अचल संपत्तियों में दिल्ली के करोट प्लेस में 2 वाणिज्यिक इमारतें शामिल हैं। इन वाणिज्यिक संपत्तियों का 2012 में अनुमानित बाजारी मूल्य क्रमशः 9.39 करोड़ रुपए व 9.45 करोड़ रुपए है। इसकी जानकारी 2012 की राज्यसभा चुनाव के दौरान दाखिल किए गए नामांकन पत्र में है। साल 2009 में मायावती ने नई दिल्ली के डिप्लोमेटिक एनक्लेव के 23-24 सरदार पटेल मार्ग पर एक संपत्ति खरीदी। इसका कुल क्षेत्रफल 43,000 वर्ग फीट है। 2012 में इसकी कीमत 61 करोड़ रुपए आंकी गई थी। दूसरी तरफ लखनऊ में मायावती के पास 9 मॉल एवेन्यू पर 1 आवासीय इमारत है। इसे 3 नवंबर 2010 में खरीदा गया और इसकी अनुमानित कीमत 2012 में 16 करोड़ रुपए थी।